हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरसी देवीवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर आईटी एडवांस के क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी है हमने। पहले फिजिक्स की बात कर रहे थे, उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने तीन यूनिट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट यूनिट में हमने टॉपिक लिए थे नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। उनके सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आज जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहल, फिनोल ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड। वैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज क्लासिफाई करना, और वो भी एडवांस लेवल पे, थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूरा कनेक्टिंग होता है। फिर भी कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ हम क्लासीफाई कर सकें। तो आप जैसे देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस इज। आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है और उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है। क्वेश्चन बिलोंग करता है कार्बोनिल कंपाउंड से, और आप ये देख पा रहे हो कि इस कंपाउंड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया है, और फॉर्मेल्डिहाइड दिया है एक्सेस में, वो भी बेसिक मीडियम में। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिक मीडियम में यदि कार्बोनिल कंपाउंड एल्फा हाइड्रोजन रखता है तो एल्डोल कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी होती है। यदि एल्डिहाइड है और एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो केनिजारो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ इस कार्बोनिल के पास एल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ बेसिक मीडियम में ये एल्फा हाइड्रोजन से कन्वर्ट हो जाएगा इनोलेट आयन में, और बेसिक मीडियम में इनोलेट आयन एल्डोल कंडेंसेशन का क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो उस वे में क्या रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, समझेंगे। क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन है, और इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड, और यहां इसके पास ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन है। ये यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड का। बेसिक मीडियम जो NaOH आपको दिया हुआ है वो इस H को रिमूव करेगा, और यहां इसका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा, पहला जो कंपाउंड बनेगा आपके पास ये वाला बन जाएगा CO, और इधर से आपके पास बन गया CH2O-। साथ के साथ यहां डाइल्यूट बेस दिया हुआ है, तो यहां पे H+ सप्लाई हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बना वो ये वाला बन गया। ये एक मोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये वाला कंपाउंड बना है। हमें क्वेश्चन में फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में दिया हुआ है, तो अगेन हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि अगेन रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये मैंने दोबारा क्यों लिया है, क्योंकि यहां आपको एक्सेस में दिया हुआ है। अगेन अगर मैं पॉसिबिलिटी चेक करूं तो सबसे पहले चेक करता हूं कि क्या एल्फा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड के पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल का बनना इम्पॉसिबल काम हो गया, तो एल्डोल की पॉसिबिलिटी यहां पर खत्म हो गई। अब दूसरी बात देखें कि बेसिक मीडियम में अगर एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर केनिजारो की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये कंपाउंड आगे जो रिएक्शन होगी वो होगी केनिजारो, और केनिजारो रिएक्शन में हमें पता है केनिजारो रिएक्शन रेडोक्स रिएक्शन होती है। एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। डिपेंड करता है कि क्रॉस केनिजारो हो रही है या सिंपल केनिजारो हो रही है। यदि क्रॉस केनिजारो हो रही है, क्रॉस केनिजारो का मतलब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट है, और आप यहां देख पा रहे हो कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट है, तो यहां जो केनिजारो भी होगी वो कौन सी होगी, यहां होगी क्रॉस केनिजारो। और क्रॉस केनिजारो में अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे केनिजारो रिएक्शन की, तो आप ये देखोगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन होता है। तो यहां डायरेक्ट वे अगर क्रॉस केनिजारो की मैं बात करूं, क्रॉस केनिजारो के डायरेक्ट वे की हम बात करें, तो दो वे में होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन से एल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन से सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव है।
रिडक्शन किसका होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए लेस रिएक्टिव है। मैकेनिज्म देखोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां अगर मैं देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां देखने पे ये पता लग रहा है कि कीटोन जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेरेटिव टू एल्डिहाइड, तो ये वाला मोर रिएक्टिव है। ये वाला मोर रिएक्टिव है और ये वाला लेस रिएक्टिव है। तो मैंने बोला मोर रिएक्टिव का क्या करवाना है आपको, ऑक्सीडेशन करवाना है, और लेस रिएक्टिव का क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो सोल्ट बनेगा, और इसका रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो क्रॉस केनजारो के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये वाला बना एक तरफ, इसका रिडक्शन करवाऊंगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये ओ एच, और इधर आपके पास ये ओ एच, एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा उसका बन जाएगा सोल्ट एच सी ओ माइनस एन ए प्लस। ये इस रिएजेंट से रिएक्शन हो गई फर्स्ट रिएजेंट से। वापस से समझ लें, पहले एल्डोल हुई है, एल्डोल के बाद सेकंड पॉसिबिलिटी केनजारो की जनरेट हुई है। अब आपको आगे दिया हुआ है वापस से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिडिक मीडियम, वो भी कैटेलाइटिक अमाउंट में, ठीक है। तो यहां का जो कंक्लूजन, जो प्रोडक्ट आया वो मैंने वहां लिख दिया है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब इसकी बात करते हैं, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि डाइओल की रिएक्शन या एल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं, तो हेमी एसिटेल, एसिटेल कीटेल, हेमी कीटेल बनता है। तो सेम यहां पे ये जो कंपाउंड है ये डाइओल की तरह बिहेव करेगा, या फिर मैं बोल दूं डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें, और ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आगे रिएक्शन करेगा। और वो रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्ट आपने भी देखा होगा कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन डाइओल से करवाते हैं या इथाइलिन ग्लाइकोल से, 1,2 पे हो सकता है, 1,3 पे हो सकता है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल पे 1,2 पे है, बट इस केस में 1,3 पे है। तो यहां बात करें तो यहां से H2 हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ये मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बनता है ये वाला। तो सेम रिएक्शन यहां होने वाली है, इसी वैसे रिएक्शन यहां होगी। तो इस वैसे अगर रिएक्शन होगी तो यहां मैं बोलूं आपके पास इधर दिया हुआ है ये कार्बन ओ एच, इधर दिया हुआ है सी एच टू ओ एच, और इस पे दो सी एच थ्री जुड़े हुए हैं। उसके बाद इधर से फॉर्मेल्डिहाइड आया एच, ये सी एच, और ये डबल बॉन्ड ओ, और यहां से ये एच टू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम मतलब ड्राई एच सी एल की प्रेजेंस में। एसिडिक मीडियम क्यों लिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को यहां इंक्रीज करता है। आप ये मैकेनिज्म देख सकते हैं, एल्कोहल की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, उसको कनेक्ट कर ले यहां से। तो ये इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है, कार्बन ये दो सी एच थ्री आ गए, उसके बाद यहां पर एक सी एच टू मिसिंग हुआ, अपने पास एक कार्बन है बीच में यहां पर, तो ये कार्बन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन और ये एच और ये एच, ये वाला प्रोडक्ट अपने पास आएगा। ऐसा प्रोडक्ट अगर हम चेक करें तो दो ऑक्सीजन के बीच में सी एच टू होना चाहिए, एक तरफ सी एच टू एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, क्लियर। तो क्वेश्चन बिलोंग कर रहा था कार्बोनिल कंपाउंड से, रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हुई है, एल्डोल हुई है, उसके बाद केनिजारो हुई है, उसके बाद एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल कंपाउंड की डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ रिएक्शन हुई है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड पी विथ सी एस थ्री एम जी बी आर ग्रिग्नार्ड एजेंट, और ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया हुआ है एक्सेस में, इन सी टू एच फाइव टू ओ डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में, फॉलोड बाई एडिशन ऑफ एच टू ओ, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया है, गिव्स क्यू, पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है क्यू, जो यहां पे दिया हुआ है। अब ये जो क्यू है, इस पी की रिएक्शन करवानी है हमें,
तो ये किससे करवानी है, वो हमें बोला है कि पहले आपको CH3MgBr और ये लेना है एक्सस में, उसके बाद सेकंड रिएजेंट दिया हुआ है H2O, ओके, इससे बना हुआ हमारे पास क्यू। फिर बोला था कंपाउंड क्यू ऑन ट्रीटमेंट विथ H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस, H2SO4 और वो भी दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये डिहाइड्रेट अलग अलग वे से कर सकता है, तो वो देखेंगे कि क्यू क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे जाएगी। उससे आपके पास प्रोडक्ट बना R, द रिएक्शन ऑफ R विथ CH3COCl, R की रिएक्शन करवाई है CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CH2Cl2, डेफिनेटली फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट है, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H2O प्रोड्यूस कंपाउंड S, और ET बोला है कि ET का मतलब है कंपाउंड P इज इथाइल ग्रुप, इस ET का मतलब ये यहां पे है वो इथाइल ग्रुप है। तो क्या रिएक्शन होगी, सिंपल सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब इसके क्या ऑप्शन आएंगे वो देखें, क्वेश्चन को मैंने यहां छोड़ दिया है। अब देखें आप इधर, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ आपको CO और ये ET, ये वाला ग्रुप आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवानी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एसिड डेरिवेटिव के साथ। एसिड डेरिवेटिव में 1 डिग्री एमाइड नहीं होना चाहिए और एसिड नहीं होना चाहिए, एसिड डेरिवेटिव के साथ ये एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो CH3MgBr, इसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट ये है, कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे, अगली स्टेप में ये वापस घूमेगा और OET को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये पूरी स्टेप है एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, एसाइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, OET ग्रुप बाहर हो गया और उसकी जगह CH3 आ जाएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये वाला बनने वाला है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया और इधर आपके पास ये CO और ये CH3 कीटोन बन गया। अब कीटोन जब आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वापस से CH3MgBr और ये अटैक और ये इलेक्ट्रॉन यहां से, यहां जैसे होगा कंपाउंड बनेगा आपके पास ये वाला, CO- MgBr और एक CH3 ऑलरेडी पहले से था और एक CH3 और आ गया है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है H2O से, तो H2O यहां पे H सप्लाई कर देगा और इस कार्बन पे 3 डिग्री एल्कोहल ग्रुप जनरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला। कार्बन और ये OH और ये CH3 और ये CH3। अब इसके बाद आपको दिया है ये जो प्रोडक्ट है आपका वो प्रोडक्ट है क्यू। यहां तक दो पार्टों में रिएक्शन हुई है, पहले एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। अब यहां पे क्यू जो बना उसके बाद आपको दिया हुआ है H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो सबसे पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो सबसे पहले OH पे ये H+ डोनेट करेगा और जैसे ही इस पे डोनेट करेगा ये वाला बनाएगा, कार्बन और ये OH2 पॉजिटिव और ये CH3 और ये CH3। दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप और ये लिविंग ग्रुप है तो ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद अगला जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, कार्बन ये पॉजिटिव और ये दो CH3 और ये CH3।
अब इसके बाद यहां से दो पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है कि या तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में जो एल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली एल्फा हाइड्रोजन, ये बाहर निकाल के एल्कीन बना दे, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये इस रिंग पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर दे। तो यहां से H+ कब निकलती, जब आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिया हुआ होता, बट टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इस रिंग पे अटैक कर जाएगा। अब इस रिंग पे अटैक करेगा तो डिसाइड होगा कि इस रिंग पे जो पहले से ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन सा डायरेक्टिव है। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और यहां पे दो एच लगे हुए हैं, इन दो एच का लगेगा प्लस एच, और प्लस एच बोलता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, तो इसका पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, ऑर्थो पोर्शन इधर है और इधर है, तो ऑर्थो पोर्शन पे अगर ये अटैक करेगा तो चाहे इधर करवा दो चाहे इधर करवा दो, सेम ही बात है, दोनों सेम पोर्शन है, तो इस पे क्या कर जाएगा, ये अटैक कर जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है ना, ये रिएक्शन हुई है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। साथ के साथ यहां पे आपने H2O क्या कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब रिएक्शन में डिहाइड्रेशन तो हुआ है, पर डिहाइड्रेशन किस वजह से हुआ है वो आप देख लें, H2O बाहर हुआ है, इसका H+ और इसका OH बाहर हुआ है। तो ये जब होगी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है। ये दो CH3 और ये यहां से अटैक, ये अटैक यहां से H+ बाहर हो गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, वो बन गया R, ठीक है। अब R बनने के बाद आगे आपको दिया हुआ है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लेविस एसिड है, इस Cl को हटा लेगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा एसाइलियम आयन CH3CO+, और यहां रिएक्शन होगी वो होगी फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि एसाइल इलेक्ट्रोफाइल है, ये फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहां जो रिएक्शन हुई है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, ये भी एल्काइलेशन टाइप रिएक्शन ही है। तो यहां से ये बनने के बाद अब ये अटैक करेगा इस एरोमेटिक रिंग पे। अब इस एरोमेटिक रिंग पे कहां अटैक करेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से प्लस एच नहीं लग रहा, यहां से प्लस एच लग रहा है, दो हाइड्रोजन है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, ये पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन क्या है, वैकेंट है, तो यहां पे क्या कर जाएगा, ये अटैक कर जाएगा, ये इस जगह क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। जैसे अटैक करेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला आएगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ये 5 मेंबर रिंग हो गई, ये दो CH3 लग गया और यहां पे ये COCH3 लग गया, ठीक है। ये वाला आपका प्रोडक्ट जो आ गया वो आ गया, आगे जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है S। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, द रिएक्शन Q2R, Q से R के लिए क्या स्टेटमेंट सही होगा उसके बारे में बात कर रहा है, डिहाइड्रेशन एंड फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो R जो प्रोडक्ट हमारा बना था ये वाला, इसके बाद एसाइलेशन हुआ है, उससे पहले एसाइलेशन नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो गलत हो गया क्योंकि एसाइलेशन नहीं हुआ है। सेकेंड ऑप्शन बोला है फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन डिहाइड्रेशन एंड फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन को वापस चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बोला हुआ है डिहाइड्रेशन एंड फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो दो पहले तो यहां से तो हुआ डिहाइड्रेशन, ये हो गया, फिर उसके बाद ये फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, उसके बाद फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन। हमें यह बताना है कि क्यू से आर के बीच में क्या हुआ है। तो क्यू तो हमारा जो प्रोडक्ट था, क्यू वाला प्रोडक्ट है वो ये वाला है, क्यू वाला प्रोडक्ट ये वाला जो क्यू है, यहां से हमें बात करनी है, केवल आर तक की बात करनी है, और दूसरा बोला है आर से एस, और आर से एस भी बताना है। तो आर से एस तो फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है, और क्यू से आर की बात करें तो क्यू से आर हुआ है डिहाइड्रेशन भी हुआ है, और फ्रेडलक्राफ्ट ये वाला फ्रेडलक्राफ्ट क्या है, एल्काइलेशन, इसको मैं बोल देता हूं फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन डिहाइड्रेशन एंड फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड, क्योंकि एल्काइलेशन भी हुआ है, डिहाइड्रेशन भी हुआ है, और फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी हुआ है, क्यू से आर और आर से एस। तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एस जो है हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है वही पैराग्राफ है, और इसमें हमसे ये पूछा है कि द प्रोडक्ट एस इज,
वही क्वेश्चन है, वही पैराग्राफ है। तो एस अभी मैंने पीछे वाली रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है, और वहां जो हमारे पास एस बना था वो ये वाला एस बना था, आप चेक कर सकते हैं पीछे, तो ये वाला एस आ जाएगा। तो दोनों पैराग्राफ बेस्ट क्वेश्चन थे, फ्रेडलक्राफ्ट का डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑर्गेनिक एसिड पी, एक ऑर्गेनिक एसिड है पी जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C11H12O2, कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू ए डाइबेसिक, टू ए डाइबेसिक एसिड। ये दो बार रिपीट हो गया है यहां पे। आपको बोला हुआ है कि एन ऑर्गेनिक एसिड C11H12O2 कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू ए डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब जब उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके पास दो COH ग्रुप होंगे, विच रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर डेक्रोन। जो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके डेक्रोन पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, और वही पी कंपाउंड अपॉन ओजोनोलाइसिस पी गिव एन एलिफेटिक कीटोन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। पी अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस टू फर्निश आर वाई आर क्यू। द कंपाउंड पी ऑल्सो अंडरगोज अनदर सेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टू प्रोड्यूस एस। ये भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले पी को आइडेंटिफाई करना होगा, पी क्या है। तो पी के बारे में हमें कितना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है वो बता दूं। पी का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C11H12 है और O2, ये फॉर्मूला पी का दिया हुआ है। एक ये भी बोला है कि पी का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो डाई बेसिक एसिड बनेगा, और वो भी डाई बेसिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके डेक्रोन पॉलीमर बनाएगा। तो आपको यहां पॉलीमर डेक्रोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप पी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। फिर बोल रहा है कि पी की रिएक्शन इन रिएजेंट से कराओगे तो क्यू बनेगा और इधर एस बनेगा, उसके रिगार्डिंग यहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सॉल्व करते हैं क्या ऑप्शन आता है, देखें। ये क्वेश्चन है। अब हम बात करें कि सबसे पहले पी जो भी कंपाउंड है, डेक्रोन का यूनिट क्या है, डेक्रोन पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बोलते हैं कि डेक्रोन का टर्थेलिक एसिड ये डाइबेसिक एसिड है, टर्थेलिक एसिड इसका नाम है, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है इथाइलिन ग्लाइकोल से। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के बाद H2O बाहर हो जाएगा, और इधर से ये CO, ये OH बाहर हो गया, इधर से ये CO O और ये CH2 ये यहां से बाहर हो गया। तो ये यूनिट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, और जब ये यूनिट बार बार रिपीट होगी तो इसका नाम है डेक्रोन। अब बात ये आई कि हमें ये पता लगा कि डेक्रोन की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है टर्थेलिक एसिड, और ये कंपाउंड पी के ऑक्सीडेशन से बन रहा है, मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन वो बोल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन आप करवाओगे तो ये बनेगा। और पी का फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है C11H12O2। तो सबसे पहले जब तक हम पी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आगे की रिएक्शन हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पी को आइडेंटिफाई करना है। तो पी को आइडेंटिफाई करें तो इससे यह पता लग रहा है कि बेंजीन स्केलेटन तो प्रेजेंट होगा, और पी के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी हुई है, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ये बोला हुआ है कि पॉलीमेरिक डेक्रोन है अपॉन ओजोनोलाइसिस पी गिव एलिफेटिक कीटोन। पी का जब ओजोनोलाइसिस कराओगे तो एक एलिफेटिक कीटोन देगा और एक अनदर प्रोडक्ट और देगा। तो एलिफेटिक कीटोन का मतलब ये हुआ कि ओजोनोलाइसिस तभी हो सकता है जब कंपाउंड में अनसेचुरेशन हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो उसके इन इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें तो क्या स्ट्रक्चर आएगी अपने पास निकल के, ये बेंजीन स्केलेटन होगा, दो 1,4 पे दो ग्रुप होने चाहिए। तो अगर मैं इधर CH डबल बॉन्ड C और ये CH3 लगाऊं, क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि एलिफेटिक कीटोन बन रहा है, और साइड में मुझे ऑक्सीजन
कंपाउंड के पास दो ऑक्सीजन है तो हो सकता है ऑलरेडी इसके पास इधर COH ग्रुप प्रेजेंट हो। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये यहां से ऑक्सीडाइज होगा और ये CHOH COH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाता हूं तो भी कीटोन बनेगा, एक तो ये बनेगा CH3COCH3 डायरेक्ट वैसे में करवा देता हूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन और साइड में बनेगा ये वाला। ये तो है प्रोडक्ट जब आपने ओजोनोलाइसिस करवाया है और इधर बन गया COH। अगर मैं इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये COH, बट इधर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इधर भी बन जाएगा COH। पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। अब हम इसके बारे में ये फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि क्या इसी फॉर्मूले को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो कार्बन 6 तो कार्बन यहां पे हो गए, एक यहां पे हो गया 7, उसके बाद ये 8 9 10 11 तो 11 हो गए कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 यहां पे हो गए, 4 इसमें हो गए, 5 और 6 हो गए 11 और एक ये 12। हाइड्रोजन भी अपने पास 12 है और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब P जो कंपाउंड है वो ये वाला है। अब इस कंपाउंड के आगे हमें रिएक्शन प्रोसीड करनी है, क्लियर। तो मैंने अब तक जो कंसेप्ट बताया उससे मैंने केवल P को आइडेंटिफाई किया है और P जो है वो ये वाला प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब P को अगर मैं लिखूं तो P जो है वो ये वाला है, ये COH और इधर CH डबल बॉन्ड ये अपना P है। अब P की रिएक्शन से एक बार S बनाना है और एक बार Q बनाना है, फिर क्योंकि आगे रिएक्शन वापस प्रोसीड करानी है तो P की रिएक्शन करवाता हूं मैं पहले S बनाने के लिए H2PDC। पहला रीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है H2PDC। डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है पैलेडियम चारकोल, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो मेटल कैटलिस्ट जो है, मेटल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन है, वो एसिड का रिडक्शन नहीं करते, तो यहां केवल डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा। ये ठीक वैसे काम करेगा जैसे निकिल H2 काम करता है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन यहां फास्ट होती है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये वाला बनने वाला है। डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाने के बाद CH2CH और ये CH3 और ये CH3, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद करवाया है NH3 हीट। केवल NH3 देता तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती, अमोनियम एसीटेट यहां पे बन जाता, अमोनियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अमोनियम ग्रुप जुड़ जाता, बट हमें हीट दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहां पे रिएक्शन करवा देता हूं कि NH3 जो है वो अटैक करेगा ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, OH को क्या कर देगा बाहर, या फिर आप डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन करवा सकते हो। साइड में मैं बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COH, केवल NH3 दिया हुआ है तो पहले ये बनता है CO- NH4+, एसिड बेस रिएक्शन होती है, बट हीट दिया हुआ है तो हीट से H2 क्या हो जाएगा बाहर और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CONH2 में। आप डायरेक्ट करवा सकते हैं ये COH और ये H NH2 और यहां से H2 क्या होगा बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहां भी मैंने भी वही रिएक्शन करवाई है और फाइनली प्रोडक्ट जो बना है H2PDC और NH3 हीट के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा CONH2 और इधर CH2CH और ये CH3 और ये CH3। फिर उसके बाद रिएक्शन करवाई है CHCl3 KOH और हीट, सॉरी पहले करवाई है Br2NaOH से, Br2NaOH से रिएक्शन पता है कि एमाइड की रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो यहां पे जो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन और ये CO मतलब कार्बन का डिग्रेडेशन होता है, कार्बन कम हो जाता है। हम डायरेक्ट वैसे बात करें तो CO को मैं रिमूव कर देता हूं, NH2 लग जाएगा और CO
कार्बोनेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, एनएच टू सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री। उसके बाद फोर्थ रिएजेंट दिया हुआ है सी एच सी एल थ्री और के ओ एच, तो फोर्थ रिएजेंट दिया हुआ है सी एच सी एल थ्री और के ओ एच। हेलोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर मेथिल कीटोन स्केलेटन के सॉरी फिनोल के साथ अगर ये आता है तो राइमेटिमान रिएक्शन होती है, बट अगर एनिलीन के साथ या 1 डिग्री एनएच2 ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन होती है कार्बिल एमीन टेस्ट, तो यहां रिएक्शन हो जाएगी कार्बिल एमीन टेस्ट, और कार्बिल एमीन टेस्ट में एनएच2 कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा एन, ये एन सी और साइड में आपके पास बन गया सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री। उसके बाद इसकी वापस से रिएक्शन करवाई एच टू पी डी सी से और एच टू पी डी सी वापस से साइनाइड का रिडक्शन भी करता है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन भी करता है, डबल बोन का रिडक्शन भी करता है, ट्रिपल बोन का रिडक्शन भी करता है। एच टू पैलेडियम चारकोल जो है डबल बोन का रिडक्शन करता है, ट्रिपल बोन का रिडक्शन करता है, साइनाइड का रिडक्शन करता है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करता है, तो यहां आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर देगा और बना देगा ये एन एच और ये सी एच थ्री और ये सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री। ये प्रोडक्ट आपके पास आया है वो आया है एस, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आया आपके पास एस। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको साफ करूंगा और एस प्रोडक्ट को इस जगह लिख दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे टिक करते जाएंगे। क्लियर? तो वापस बता देता हूं, पहले पी को आइडेंटिफाई किया, पी को आइडेंटिफाई कैसे किया, डेक्रोन की मोनोमेरिक यूनिट में डाइबेसिक एसिड टर्थेलिक एसिड, उससे हमने इमेजिन किया कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है पी। उसके बाद एच टू पी डी सी से रिडक्शन, एन एच थ्री से एमाइड फॉर्मेशन, बी आर टू एन एच ओ एन ओ एस से हाफ पान ब्रोमेमाइड, सी एस सी एल थ्री के ओ एस से कार्बिल एमीन टेस्ट, एच टू पी डी से आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। तो फाइनली जो एस प्रोडक्ट अपने पास आया है वो ये वाला आया है, एस प्रोडक्ट अपने पास आया है वो ये वाला आया है एन एच सी एच थ्री और इधर लगा हुआ है सी एच टू सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री। ये वाला प्रोडक्ट है अपना एस। ठीक है, अब एस प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम सेकेंड सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। पी की रिएक्शन हमें वापस से एक दूसरे रिएजेंट की जो दी हुई है उससे करवानी है, तो दूसरे अगर वे में हम चलें तो पी आपको याद होगा पी हमने इसको कंसिडर किया था ये सी ओ एच और इधर आया था सी एच डबल बोंड सी एच थ्री सी एच थ्री। ये वाला अपना क्या था पी। इसकी रिएक्शन कराइए वापस से एच टू पी डी से, तो वापस से एच टू पी डी सी पैलेडियम चारकोल वही डबल बोंड का रिडक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करेगा और यहां ये सी ओ एच ग्रुप अनरिएक्टिव रहेगा और इधर बन जाएगा सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री। उसके बाद रिएक्शन करवाइए SOCl2 से, तो SOCl2 OH ग्रुप की जगह Cl सप्लाई कर देगा, वेल नोन रिएक्शन है, PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl2 ले लो, यहाँ OH ग्रुप की जगह Cl सप्लाई हो जाएगा, एसिड हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CO और ये Cl, CH2CH और ये CH3। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है MeMgBrCdCl2, तो इसको रिएजेंट को मैं बोलूं तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब ग्रिगनार रिएजेंट की रिएक्शन आर एम जी बी आर की रिएक्शन आप सी डी सी एल टू से करवाते हो तो बनता है आर टू सी डी डाई एल्किल कैडमियम। ग्रिगनार रिएजेंट नहीं है, अगर केवल ग्रिगनार रिएजेंट देता तो अलग वैसी रिएक्शन होती, बट हमें यहां पे ग्रिगनार रिएजेंट सी डी सी एल टू के साथ दिया हुआ है तो ये रिएक्ट करके डाई एल्किल कैडमियम बनाएंगे और डाई एल्किल कैडमियम आपको पता होगा एसिड हेलाइड के साथ डाई एल्किल कैडमियम रिएक्ट करके कीटोन बनाता है। कीटोन बनाने का बेस्ट मेथड है। ग्रिगनार एजेंट भी कीटोन बनाता है पर ग्रिगनार एजेंट वापस फर्दर रिएक्शन कर सकता है क्योंकि कीटोन बनेगा, कीटोन के साथ ग्रिगनार एजेंट आगे रिएक्शन कर सकता है। डाई एल्किल कैडमियम का एल्काइल ग्रुप लेस रिएक्टिव होता है कंपेरेटिव टू ग्रिगनार एजेंट के एल्काइल ग्रुप से, तो यहां से जो ये जो बना है एम ई एम जी बी आर
एम ई एम जी बी आर और सी डी सी एल टू, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे एम ई टू और ये सी डी डाइमिथाइल केडमियम। और डाइमिथाइल केडमियम एसिड एलाइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन ही है। तो यहां बन जाएगा एम ई, यहां सी एल की जगह सप्लाई हो जाएगा, एस आई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, एम ई अटैक करेगा सी एल को, क्या कर देगा बाहर, और ये बन जाएगा सी ओ और ये रिंग सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री। उसके बाद रिएक्शन करवाई है एन ए बी एच फोर से, तो एन ए बी एच फोर आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में केवल एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है, बाकी किसी का रिडक्शन नहीं करता है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव का मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड खुद हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड हो गया, उनका रिडक्शन नहीं करता, केवल एसिड हैलाइड का करता है, एल्डिहाइड का करता है, कीटोन का करता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो यहां रिडक्शन करेगा एच माइनस, इसमें रिएक्टिव स्पीसीज है, एच माइनस इस पर अटैक करेगा, ये यहां से यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसको 2 डिग्री एल्कोहल में क्या कर देगा कन्वर्ट कर देगा और फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ एच और ये रिंग और यहां आपके पास बन गया सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री। ये वाला जो प्रोडक्ट आया है वो आपके पास आया है क्यू प्रोडक्ट। तो हमने पहले एस आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद हमने क्यू आइडेंटिफाई कर लिया। क्यू में क्या हुआ, पहले रिडक्शन SOCl2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करेगा, MeMgBrCdCl2 पहले डाइएल्किल केडमियम में कन्वर्ट होगा, फिर एसिड हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, NaBH4 कीटोन को रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री एल्कोहल में। तो ये प्रोडक्ट है अपने पास क्यों, S को आइडेंटिफाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्यों जो प्रोडक्ट है वो मैं यहां लिख रहा हूं सी एच ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री। ये जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट है अपना क्यू। ओके, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आगे रिएक्शन में क्या बोल रहा है, आगे रिएक्शन में हमें बोल रहा है कि जो क्यू बना है उसकी रिएक्शन एच सी एल MgE2O से करवानी है। तो आगे रिएक्शन देखें, ये अपने पास बना था क्यों, क्यों है अपने पास CH और ये OH और ये CH2CH और ये CH3। इसकी रिएक्शन करवाइए HCl से, तो H+ अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन OH2+ बनेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, Cl- क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, SN1 मैकेनिज्म से यहां पे Cl जुड़ जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बन जाएगा CH2CH CH3 और CH3 और ये CH CH3 और ये Cl। उसके बाद मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन करवाई है, तो आपको पता है एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार एजेंट का फॉर्मेशन होता है, तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा CH2CH CH3 और यहां जो बना है CH CH3 Mg और ये Cl। उसके बाद रिएक्शन करवाइए CO2 ड्राई आइस से, CO2 से कराइए ड्राई आइस से, तो ग्रिग्नार एजेंट CO2 से कैसे रिएक्ट करता है पहले वो देखें, R Mg अक्ष और ये CO2 ये अटैक और ये यहां से यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है बट इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यू करता है और ये बनता है CO- Mg अक्ष और ये डबल बॉन्ड O और ये R। उसके बाद H3O दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है H3O, तो यहां H+ सप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा RCOH। मतलब यह होता है कि ग्रिग्नार एजेंट के आगे इस R के आगे CO2 अगर H+ दिया हुआ हो तो ग्रिग्नार एजेंट के एल्काइल ग्रुप के आगे क्या ऐड हो जाता है, COH ग्रुप ऐड हो जाता है। तो यहां भी CO2 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है
हाइड्रोलाइसिस। इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो इधर मैं बता चुका हूँ, इस पूरे को आप आर कंसिडर करके वो समझ सकते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा यहां वो ये वाला बन जाएगा CH3 और ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर बन जाएगा CH2CH3 और ये CH3, और ये प्रोडक्ट है आपका R। P को आइडेंटिफाई कर लिया, S को आइडेंटिफाई कर लिया, Q को कर लिया और R को कर लिया। S और Q मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये अपने पास प्रोडक्ट आया आपका R, R आया है आपका पास CH3COH और ये CH2CH3 और ये आ गया R। अब हमें ऑप्शन को चेक करना है। अब हम क्वेश्चन से बात करेंगे कि ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखें द कंपाउंड आर इज, तो आर कंपाउंड मैंने यहां बना रखा है, आप देखें ये वाला ऊपर की तरफ CH CH3 COH लगा हुआ है। पैरा पोजिशन पे ग्रुप होने चाहिए, तो इसमें पैरा पे है, इसमें पैरा पे है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और लास्ट वाले की बात करें तो इसमें ऑर्थो पे है, तो सेकेंड और थर्ड का तो कोई मतलब नहीं है। इसमें बात करें और इसमें बात करें तो यहां पे ये CH2 CH CH3 दो CH3 लगे हुए हैं और CH3 COH, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये हमने R आइडेंटिफाई कर लिया, R का जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। अब उसके बाद क्यों, क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता लगेगा कि आगे और क्या पूछ रहा है। तो एक बार क्यू को और एस को हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है और इसमें पूछा है एस। एस जो कंपाउंड है वो हमारे पास 2° amine बना था और ये वाला एस आपका प्रोडक्ट हो जाएगा एस, जो कि पीछे हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जेई 2016 में आया हुआ है। मोर देन वन चॉइस होगा, एक से ज्यादा आंसर इसके होंगे। क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस इज आर, आपको एक रिएक्शन सिक्वेंस दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है। रिएक्शन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको पहले बोला है क्यूमीन, होपफुली सभी क्यूमीन की स्ट्रक्चर जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे दूंगा अभी। क्यूमीन, क्यूमीन की रिएक्शन करवाई O2 हाइड्रोलाइसिस और P बनाओ, P के बाद CHCl3 NaOH से। हमें पता है क्यूमीन की ये रिएक्शन जो P आएगा ना वो फिनोल आने वाला है, और फिनोल की रिएक्शन करवाई है CHCl3 NaOH से, ये रिएक्शन है राइमेटिमान। फिर आपके पास Q और R दो प्रोडक्ट बने और Q की रिएक्शन NaOH PHCH2Br से करवाई है और उसके रिगार्डिंग आपसे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व है, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी क्यूमीन की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो क्यूमीन, इस वाले कंपाउंड को क्यूमीन बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। ये वाला कंपाउंड, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। या फिर इसी का नाम है क्यूमीन, ठीक है। अब हो सकता है यहां तो आपको डायरेक्ट क्यूमीन बोला हुआ है, क्यूमीन आपसे पीछे से भी प्रिपेयर करवा सकता है कि क्यूमीन को कैसे हम बना सकते हैं। तो क्यूमीन को बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सिंपल सा हम क्यूमीन की, अगर मैं रिंग की रिएक्शन आप देखें, डायरेक्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम बना सकते हैं, और रिएजेंट यहां हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं। क्यूमीन बनाने के मेथड में बता रहा हूं, क्यूमीन बनाने के मेथड आप ले सकते हो कि कार्बन, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन, और एसिडिक मीडियम, इससे आप बना सकते हो, क्योंकि ये इधर जाएगा एच प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे क्या कर देगा, अटैक कर सकता है, इस वजह से क्यूमीन बन सकता है। इसके अलावा आप इस कंपाउंड की रिएक्शन OH H+ किससे करवा दो, तब भी क्यूमीन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट और उस पे अटैक कर सकता है। इसके अलावा
AlCl3, इससे भी आप क्यूमीन बना सकते हो। ये इतने मेथड है जिससे आप क्यूमीन बना सकते हो, और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो मेनली जो मेथड यूज में ले जाते हैं वो मैंने बताए हैं, इनसे आप क्यूमीन बना सकते हो। बट हमें यहाँ क्यूमीन नहीं बनाना, हमें तो क्यूमीन से आगे रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, तो उन्हीं रिएक्शंस की मैं बात करता हूं। देखें इधर, क्यूमीन ये वाला है, और इसकी रिएक्शन करवाई है O2 से, और उसके बाद करवाया है हाइड्रोलाइसिस। तो यहां जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा फिनोल। अब ये फिनोल कैसे बना है, इसके बारे में थोड़ी सी मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। सबसे पहले ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, जो कि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। तो यहां सबसे पहले बनेगा आपके पास ये वाला, जब ये रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से, जब ये रिएक्ट करेगा O2 से, तो O2 से रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा कार्बन, ये CH3 और ये CH3 OOH, और इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। कैसे भाई, हाइड्रोजन प्रोक्साइड किसको बोलते हो, HOOH को, आप इसको बोलते हो HOH को, इसको बोलते हो हाइड्रोजन प्रोक्साइड। मैंने इस H को हटा के ये वाला पूरा स्केलेटन लगा दिया, तो इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम है, वो नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब यहां पे इसका हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, H प्लस अटैक करेगा तो इस पे अटैक कर जाएगा। जैसे अटैक करेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, समझना भैया। ये कार्बन और इस पे ये CH3, ये CH3 OOH2 पॉजिटिव। ये बनने के बाद ये तो लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहां पे ग्रुप माइग्रेट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये फिनाइल रिंग यहां से माइग्रेट होगी और इस OH2 को क्या कर देगी, बाहर कर देगी। जैसे ये माइग्रेशन हुआ, आगे वाला जो प्रोडक्ट बना आपके पास ये वाला बन गया, कार्बन ये CH3 ये CH3 और यहां पे आ गया पॉजिटिव, सॉरी ये बनेगा CH3 कार्बन ये CH3, यहां पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि फिनाइल रिंग इधर शिफ्ट हो चुकी है, और ये O और ये रिंग है। उसके बाद H2O दिया हुआ है, तो H2O में से H2O यहां अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, और कार्बोकेटाइन पे अटैक करने के बाद बनाएगा CH3 कार्बन CH3O H और ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन और ये रिंग। अब यहां से इसके पास लोन पेयर है, और ये H प्लस यहां क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा क्योंकि ये बेस की तरफ यो कर रहा है, और ये करने के बाद आपके पास जो आगे वाला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और ये CH3 OH, ये OH में कन्वर्ट हो गया और इधर बन गया OH और ये पॉजिटिव और ये रिंग। अब ये वाला लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इधर कार्बोनिल ग्रुप जनरेट होगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो फाइनली इधर तो बन गया आपके पास एसीटोन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एसीटोन भी होता है, 50% इसका फॉर्मेशन होता है, और साइड में जो प्रोडक्ट बना वो बना फिनोल। तो एक्चुअली में हमें यहां से पी बोला है, तो पी क्या बनेगा, पी फिनोल बनेगा, क्योंकि फिनोल ही रिएक्शन कर पाएगा आगे CHCl3 एनिवर्स से, राइमर टीमान रिएक्शन हो जाएगी। तो पी प्रोडक्ट जो है वो है फिनोल। क्लियर, क्यूमीन हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन प्रोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम है, फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, फिनोल कैसे बनाए जा सकते हैं, और ये रिएक्शन भी आपको फिनोल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में मिल जाएगी, मैकेनिज्म मैंने पूरी यहां पे बता दी है। क्लियर, अब हम उस पी की रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 NaOH से। तो पी फिनोल, और इसकी रिएक्शन करवाई हमने CHCl3
NaOH से सभी को पता होगा, वेल नोन रिएक्शन है, रिएक्शन का निर्माण है रैमेटिमान, और रैमेटिमान में क्या होता है, फॉर्मलेशन होता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं वर्बली कुछ इस रिएक्शन के बारे में बता देता हूं। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो है वो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, इसका इंटरमीडिएट होता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड हम बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इसका इंटरमीडिएट होता है। और दो प्रोडक्ट, ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, रिएक्शन यही होगी। और OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो CHO ग्रुप फॉर्मलेशन होता है, तो दो जगह जुड़ता है, एक बार OH COH और साइड में बनता है OH और ये COH, ये दो प्रोडक्ट यहां पे बनते हैं। ये वाला है सेलिसिलडिहाइड, इसका कोई पर्टिकुलर नाम है नहीं, और ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है मेजर और ये वाला आता है माइनर। अब ये जो प्रोडक्ट है ना कैन बी सेपरेट बाय, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और इनको हम सेपरेट करेंगे तो स्टीम डिस्टिलेशन, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। देखो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है और ये वाला पेरा वाला प्रोडक्ट है, तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसकी वोलेटाइल नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट पेरा वाले का ज्यादा होगा, किससे, ऑर्थो वाले से, इस पेरा वाले प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले से ज्यादा होगा। बिकॉज पेरा वाले का ज्यादा क्यों है, इसका रीजन है बिकॉज पेरा आइसोमर हैव इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज पेरा आइसोमर हैव इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल ऑर्थो आइसोमर हैव इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये डिफरेंस है दोनों में। पेरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑर्थो आइसोमर से, क्योंकि पेरा में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें जो होगी वो होगी इंट्रामोलिक्यूलर। और जब दो आइसोमर में एक में इंटर हो रही हो और दूसरे में इंट्रा हो रही हो तो इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसकी वोलेटाइल नेचर भी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने बोला कैन बी सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेटेड, तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल, पहले वोलेटाइल कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट है किसका कम, ऑर्थो वाले का, तो मैंने बोला ऑर्थो आइसोमर जो है वो स्टीम वोलेटाइल नेचर का है, तो यहां क्यू बन गया और आर बन गया। फिर क्यू की रिएक्शन, तो क्यू को मैंने मेजर बोला है और ये इसको मैंने माइनर बोला है। अब क्यू की रिएक्शन करवाई है ओ एच और ये सी ओ एच, ये वाला क्यू है, इसकी रिएक्शन करवाई एन ए ओ एच से PHCH2Br, तो NaOH एसिड बेस रिएक्शन, फिनोल की ये H एसिडिक नेचर की होती है, ये इसको H डोनेट यहां से एक्सेप्ट कर लेगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के बाद ये जो रिएक्शन करेगा, यहां न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ वो ये वाला बना, ये COH ग्रुप एजिट रह गया, इधर बन गया O- और Na+, फिर ये रिएक्ट करेगा बेंजाइल ब्रोमाइड से और इस पे अटैक करके इस Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये रिएक्शन कौन सी हुई है, SN2 रिएक्शन हुई है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बना आपके पास ये बन गया OCH2PH और ये COH, ये वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास क्योंकि रिएक्शन करवाने के बाद बना है, जिसको हम बोल सकते हैं S,
ठीक है। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है। बोला है आर इज स्टीम वोलेटाइल, आर माइनर है, और माइनर स्टीम वोलेटाइल नहीं है। मैंने बोला है ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। पहले जो स्टीम डिस्टिलेटेड होगा सेपरेट होगा वो ऑर्थो होगा, तो आर स्टीम वोलेटाइल नहीं है, तो स्पष्ट गलत हो गया। फिर बोला क्यों गिव्स डार्क वोलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस एपीसीएल 3 सॉल्यूशन, क्यों? तो ये जो टेस्ट है ना वोलेट कलरेशन एपीसीएल 3 ये वाला, ये है टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, मतलब अगर कंपाउंड में फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये एपीसीएल 3 के साथ वोलेट कलर देगा। तो हमें बोला क्यों, क्यों हमारा मेजर प्रोडक्ट है और इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये वोलेट कलर देगा किसके साथ, न्यूट्रल एपीसीएल 3 के साथ, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है एस गिव येलो परसिपिटेड विथ 2,4-dinitrophenylhydrazine, एस गिव येलो परसिपिटेड विथ 2,4-dinitrophenylhydrazine, एस अपने पास ये है और ये जो 2,4-DNP टेस्ट है, ये वाला जो टेस्ट है ये टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का, 2,4-dinitrophenylhydrazine टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ 2,4-dinitrophenylhydrazone बनाएगा जिसकी येलो पीपीटी होती है, तो इसका मतलब S में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये टेस्ट देगा, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फिर है S गिव डार्क वोलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस एपीसीएल 3 सॉल्यूशन, तो एपीसीएल 3 सॉल्यूशन के साथ ये देगा या नहीं देगा उसके बारे में ये बोल रहा हूं कि एपीसीएल 3 सॉल्यूशन जो है ना वो फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है, एस में फिनोलिक ग्रुप है नहीं तो ये टेस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड और थर्ड, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएजेंट विच कैन बी यूज फॉर द ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज अ 2016 का क्वेश्चन है, रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा तो ये इसके लिए कौन सा रिएजेंट सूटेबल रहेगा। तो आप देखें एस्टर ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाया, एस्टर एजिट लगा है, अनरिमेन है, रिमेन सेम मतलब सेम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन भी नहीं करवाया, केवल इसने एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन करवाया है और वो भी किस में करवाया है, CH2OH में। तो सबसे पहला रिएजेंट दिया है LiLH4, तो ये तो है ना रिड्यूस्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, एस्टर को भी रिड्यूस करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है, ये तीनों को ही रिड्यूस करता है LiLH4। तो अगर मैं LiLH4 लूंगा तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि केवल एल्डिहाइड कन्वर्ट होना चाहिए, तो LiLH4 इसमें आंसर में नहीं आएगा। फिर BH3 इन THF, तो BH3 है ना रिड्यूस्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, किसको रिड्यूस करता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करता है या डबल बोन को रिड्यूस करता है, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमें रिड्यूस नहीं करना ना, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। NaBH4C2H5OH, NaBH4 जो है ना ओनली रिड्यूस, डू नॉट रिड्यूस्ड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, ये इनको रिड्यूस नहीं करता है, ना तो एस्टर को रिड्यूस करता है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है और ना ही एनहाइड्राइड को रिड्यूस करता है। एक चीज और, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो इस इपोक्साइड रिंग का भी रिडक्शन कर सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इपोक्साइड रिंग का भी रिडक्शन कर सकता है, रिंग को ओपन कर सकता है, इसलिए LiLH4 तो किसी भी वैसे आंसर में नहीं आएगा। अब NaBH4 है एसिड का नहीं करता, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, केवल किसका करेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, तो बट रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, हमें एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है,
तो थर्ड आंसर आएगा। फोर्थ बात करते हैं, रेने निकल H2 इन THF, तो रेने निकल और मेटल कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल कंडीशन में रिडक्शन नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में रिडक्शन कर सकते हैं, तो यहां रेने निकल भी केवल कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, तो यहां आंसर ये भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज आर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस 2017 में आया है, कंपाउंड आपको दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन के ऑप्शन के बेस्ड में हमें आंसर देना होगा, देखिएगा कैसे हम इसका सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड है बेंजाइल हैलाइड, देखो ये वाला बेंजाइल हैलाइड है, ये वाला बेंजाइल हैलाइड है और ये वाला बेंजाइल हैलाइड है, दोनों ही बेंजाइल हैलाइड है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इस वाले कंपाउंड की, बेंजाइल हैलाइड की, ये वाला, ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, ये SN1 के लिए भी रिएक्टिव है और SN2 के लिए भी रिएक्टिव है। SN1 के लिए रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए SN1 के लिए रिएक्टिव है। SN2 के लिए क्यों रिएक्टिव है, ड्यू टू स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, यहां SN2 में स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है रिंग के साथ रेजोनेंस होने के कारण, तो SN1 और SN2 दोनों के लिए पॉसिबल है। इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये भी पॉसिबल है, इन दोनों के बारे में बात कर ली मैंने। अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला SN1 SN2 दोनों ही देगा, बट ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री हैलाइड है तो ज्यादा प्रीफर किसको करेगा, SN2 को ज्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड SN2 को ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और SN1 की होती है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, फिर आपके पास दिया हुआ है 3 डिग्री, ये वाला SN1 को प्रीफर करेगा क्योंकि 3 डिग्री है, SN2 की रेट बहुत स्लो है, मतलब ना के बराबर ये SN2 देगा। अब हमें ऑप्शन को चेक करना है, ऑप्शन में क्या बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म, तो मैंने बोला ये SN1 देगा SN2 भी देगा, तो SN1 दे सकता है, थर्ड जो है ये वाला थर्ड अपना कंपाउंड है, ये वाला थर्ड है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड तो केवल क्या दे रहा है SN1, फर्स्ट SN1 और SN2 दोनों देगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म, तो बात सही है। फिर बोला है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2, अब फर्स्ट SN2 भी फॉलो करता है और सेकंड को मैंने बोला SN2 फॉलो करेगा क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बोला है कंपाउंड फोर्थ अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, फोर्थ वाला कंपाउंड अपने पास ये है और इन्वर्जन किस में होता है बेटा, SN2 में, तो मैंने ये बोला है कि ये दोनों जो कंपाउंड है वो SN1 भी देंगे और SN2 भी देंगे, और जब इस पे रिएक्शन होगी तो कायरल सेंटर पे रिएक्शन हो रही है तो इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी यहां जनरेट हो जाएगी, तो इन्वर्जन ये शो करेगा, इन्वर्जन के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी, इन्वर्जन यहां कायरल सेंटर बन रहा है तो इन्वर्जन शो कर देगा। फिर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, मतलब आपको इनसे कंपैरिजन करना है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ की आपको कंपैरिजन करना है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। अब आप देखो, अब यहां फर्स्ट थर्ड फोर्थ की हम किसकी रिएक्टिविटी की बात करें, SN1 की करें या SN2 की करें, तो हमें एक थर्ड जो कंपाउंड डाला है ये मैंने बोला SN2, तो ये देता ही नहीं है SN2, तो ये देता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये SN1 देगा, तो इसका मतलब यहां जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपसे पूछ रहा है ना इन तीनों स्पीसीज के बेस पे, वो पूछ रहा है SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या पूछ रहा है, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है, और SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे पहले 2 बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो ऐसा ही बोला हुआ है, पहले फोर्थ फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। अगर SN2 की रिएक्टिविटी की बात करें
तो यहां SN2 में थर्ड सबसे पीछे जाएगा, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही स्टेटमेंट सही है। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, SN1 और SN2 आपको अच्छी तरीके से आनी भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर एस ओप अक्स इज आर, कि अक्ष जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, बट एक इसमें ये बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट बना है वो एनान्सोमेरिकली प्योर फॉर्म में है, मतलब 100% एनान्सोमेर प्योर है ये, इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी 100% है। तो ये किस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनेगा, तो हम एक एक रिएक्टेंट को चेक कर लेते हैं कि ये किससे बनेगा। ठीक है, तो देखें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन पे हमको दिया हुआ है यहां पे ये जो OH लगा हुआ है वो बिलो द प्लेन है और ME जो है वो अबव द प्लेन है। अब जो रिएजेंट आपको दिए हुए हैं उनको देखें, PBr3 और ये डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में Br यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन होगी SN2। आपको पता है SN2 रिएक्शन इन्वर्जन के थ्रू होती है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिविंग ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है तो जो अटैकिंग स्पीसीज है वो अबव द प्लेन आएगी, तो यहां पे Br का अटैक होगा और जब SN2 होगी तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनने वाला है Br और ये ME एजिट रह गया। फिर सेकेंड रिएक्शन में हमें बोला हुआ है कि NaI एसीटोन, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, एनसीआरटी की रिएक्शन है, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन अगेन SN2, तो SN2 में वापस से I- अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा बाहर, SN2 हुई तो वापस से इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये ME और यहां जो I आएगा वो यहां आ जाएगा। उसके बाद NaN3, ये जो रिएजेंट है HCONME2, इसको बोलते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी बता देता हूं, HCON और ये CH3CH3, ये वाला कंपाउंड है ये, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो एजाइड आइन यहां न्यूक्लियोफाइल है और अगेन क्या होगी SN2, मतलब ये तीनों ही रिएजेंट SN2 फेवर करेंगे, तीनों ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और तीनों ही पाथ में रिएक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही पाथ में रिएक्शन SN2 से प्रोसीड होगी, तो N3 माइनस अटैक करेगा और I बाहर हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, वापस से SN2 मैंने बोला है तो यहां आ जाएगा ये N3 और ये ME एजिट रह गया। क्या ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है? ऐसा नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड की बात करें, ये तो फर्स्ट की बात होगी, अब सेकंड की बात करें तो सेकंड देखें, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में आपको ये दिया हुआ है, ये OH और ये ME, वापस से वही रिएक्शन, वही सेम रिएजेंट, फर्स्ट रिएजेंट सेकेंड और ये थर्ड, एक साथ में करवा देता हूं, फर्स्ट जाएगा SN2 से तो फर्स्ट में SN2 तो क्या बनेगा, ये लो Br यहां आ गया और ये ME एजिट रह गया। फिर सेकेंड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, सेकेंड वापस से क्या SN2 आई जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये ME एजिट रह गया और यहां पे ये आई SN2। फिर थर्ड रिएजेंट की बात करें तो वापस से SN2 थर्ड और वापस से SN2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही बोला मैंने, तो ये बन जाएगा ME और यहां पे ये N3। क्या ऐसा ऑप्शन है? 100% अपने पास ऐसा ऑप्शन है तो इसका मतलब सेकंड आंसर होगा, सेकंड से हम ये एनान्सोमेरिकली प्योर फॉर्म बना सकते हैं। इनको अगर हम चेक करेंगे, इसको चेक करें, OH और ये ME, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखो यहां पहले अबव द फर्स्ट रिएजेंट में कहां है ये बिलो द प्लेन, तो पहला आएगा अबव द प्लेन, फिर दूसरा वापस से आएगा बिलो द प्लेन, फिर तीसरा अबव द प्लेन, मतलब ये वाला बनने वाला है। तीनों रिएक्शन आप सीक्वेंस मैंने बता दिया है, ये ME एजिट रह गया,
वापस से सुन ले, ये खुद बिलो द प्लेन है, तो पहला रीजेंट आएगा अबाउ द प्लेन, फिर दूसरा आएगा बिलो द प्लेन, फिर तीसरा अबाउ द प्लेन, तो यहां पे अबाउ द प्लेन एन थ्री, ये वाला प्रोडक्ट अपना नहीं है, ये वाला नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। ओके, अब अगर बात करें इससे, क्योंकि इसको अगर आप बोले हम इसको रोटेट करें, रोटेट करोगे तो एम ई बिलो द प्लेन चला जाएगा, एन थ्री बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो एन थ्री तो बिलो द प्लेन आ जाएगा। जब मैं इसके इक्वल इसको खड़ा करूंगा, अगर मैं ऐसा इसको खड़ा कर दूं तो एन थ्री तो यहां आ जाएगा, बट एम ई भी तो यहां चला जाएगा ना, तो ऐसा वाला ये नहीं बनेगा, तो इसमें भी नहीं बनेगा, और फाइनली इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां भी अगर आप इसको रोटेट करोगे तो एम ई कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। स्टीरियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है, और बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। आपको एक कंपाउंड दिया है C6H10O, इसकी रिएक्शन करवाइए MeMgBrH2O3 बना कंसंट्रेट HCl, और एस मेजर जो भी आपको सीक्वेंस दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो एक क्लियर तो हो गया, जो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं ना, उन ऑप्शन से हमें यह तो क्लियर हो गया कि उन ऑप्शन से हमें यह पता लग रहा है कि साइक्लोहेक्सेन इस ग्रुप में प्रेजेंट है, सिक्स मेंबर रिंग यहां प्रेजेंट है, और आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे DU, अगर आप इसका निकालोगे, और डेफिनेटली DU का फॉर्मूला आपको निकालना आना भी चाहिए, तो DU इसका आएगा 2, वो भी विद ऑक्सीजन। तो C6H10 और जो कंपाउंड आप आइडेंटिफाई करोगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट और हाइड्रोलाइसिस करवाया है, तो कार्बोनिल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो सकता है, ये वाला कंपाउंड यहां पे है, क्योंकि हर ऑप्शन में सिक्स मेंबर रिंग दी हुई है, तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड है। अब इसको चेक करते हैं, सिक्स कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये वाला कंपाउंड है वो है C6H10O। अब इसकी रिएक्शन हमें आगे कंटिन्यू करनी है। DU का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दो DU है, तो एक तो रिंग का DU हो गया और एक इस डबल बॉन्ड का DU हो गया। अब इसके साथ मुझे आगे रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, देखिएगा पहले रिएक्शन से बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया और ये वाला कंपाउंड अपने पास आया, ये वाला कंपाउंड है C6H10O, और इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई पहले MeMgBr से, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन MeMgBr और उसके बाद H2O, तो ये अटैक और ये यहां से यहां ऑक्सीजन पे H सप्लाई कर देगा, कौन? H2O। तो ये जो कंपाउंड बना, क्यों जो बना, वो आपके पास ये वाला बन गया OH और ये Me 3° alcohol, ये वाला बन गया क्यों। फिर इसकी रिएक्शन करवाइए कंसंट्रेट HCl से, तो H प्लस अटैक करेगा और SN1 मैकेनिज्म होगी, OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, H2O बाहर हो जाएगा, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा Cl और ये Me। ये जो प्रोडक्ट बना वो बना अपने पास S, और हम सारे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन से बना रहे हैं, मेजर। ओके, अब इस क्यों की रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन करवाई है, क्योंकि रिएक्शन 20% H3PO4 और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये रिएजेंट करेगा डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर की प्रेजेंस में है तो एल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, H2O का फॉर्मेशन होगा, और जब डिहाइड्रेशन होगा और वो इवन मैकेनिज्म से होगा, कौन सी मैकेनिज्म से होगा, इवन मैकेनिज्म से इसका डिहाइड्रेशन होगा और H2O बाहर होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट आपका बन गया, और इस प्रोडक्ट को नाम दिया है पर्टिकुलर, इसको नाम दिया है R। कैसे बना, OH
अल्फा और बीटा ये एच और ये ओएच क्या हो जाएंगे बाहर और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आर बन गया। अब इस आर की रिएक्शन यहां पे आपके पास ये क्यू बन गया था, ये आपका एस बन गया। आर की रिएक्शन दो तरीके से करवाइए, एक बार एच टू निकिल से करवाइए, एच टू और निकिल तो डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो पहले बनेगा ये वाला एम ई, फिर आपको करवाइए रिएक्शन बी आर टू एच म्यू से और इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो 3 डिग्री रेडिकल यहां जनरेट होगा तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एम ई और ये बी आर, ये जो प्रोडक्ट है आपका क्या है टी। अब आर की रिएक्शन दूसरी तरफ करवाइए एच बी आर, एच बी आर से करवाइए और बेंजोइल प्रोक्साइड यहां करवाइए, बेंजोइल प्रोक्साइड से मतलब प्रोक्साइड इफेक्ट, प्रोक्साइड इफेक्ट का मतलब एंटी मार्कोनिकोप रूल, रिएक्शन कौन सी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, प्रोक्साइड इफेक्ट मतलब नेगेटिव पार्ट या बी आर रेडिकल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां बी आर नंबर ऑफ यहां एक हाइड्रोजन है और यहां जीरो है तो इसमें चला जाएगा यहां पे, उधर तो चला जाएगा एम ई और ये एच और यहां चला जाएगा बी आर, ये जो प्रोडक्ट बना आपका बना यू। ओके, सारे प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो जो जिसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही हो। अब ऑप्शन को चेक करें एस और यू, तो एस जो प्रोडक्ट बना अपने पास ये बना, तो सीएल का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीएल तो हमारे पास आया है, एस जो बना है एस जो प्रोडक्ट बना अपने पास ये वाला सीएल एम ई, तो पहला प्रोडक्ट सही है। यू की बात करते हैं, यू क्या सी एस थ्री एम ई बी आर बना है तो फर्स्ट प्रोडक्ट सही है एस और यू। सेकेंड एस ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, टी की बात करें टी जो सी एस थ्री एम ई बी आर है तो मतलब नहीं है, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। यू की बात करें तो यू जो प्रोडक्ट बना है अपने पास वो ये वाला बना है सी एस थ्री बी आर और टी बना है ये वाला, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया सही हो गया, यू ये नहीं है सी एल एस, यू जो है ये वाला प्रोडक्ट नहीं है तो फोर्थ गलत हो गया, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन था और पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो प्रोपेन क्या होता है सी एच थ्री सी एच टू और सी एच थ्री, यही तो होता है प्रोपेन। तो देखो जिंक, जिंक करता है डीहेलोजिनेशन, ये वाला जेम डाइहेलाइड है और जेम डाइहेलाइड डीहेलोजिन करेगा और यहां से बी आर टू को क्या कर देगा ये बाहर कर देगा, साइड में बन जाएगा जेडन बी आर टू प्लस सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड सी एच टू, तो ये तो क्या बन गई प्रोपीन, मतलब ही नहीं है। फिर जिंक डाइल्यूट एच सी एल, जिंक डाइल्यूट एच सी एल एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करता है, एल्किल हैलाइड अगर आपको दिया हुआ हो आर अक्ष दिया हुआ हो और जिंक डाइल्यूट एच सी एल दिया हुआ हो तो ये आर एच बनाता है, कैसे बनाता है वो देखिए आप इधर कि एल्किल हैलाइड जो है वो पहले ब्रेक होगा तो ये बनाएगा R पॉजिटिव और ये अक्स माइनस। ओके, फिर इसमें जिंक जो है जेडन जाएगा जेडन प्लस टू में, जेडन प्लस टू में जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूट्रल हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा R माइनस में। फिर आपको दिया हुआ है डायल्यूट एच सी एल, तो डायल्यूट एच सी एल यहां से क्या सेप दे देगा इसको H दे देगा और क्या बना देगा हाइड्रोकार्बन, तो यहां रिडक्शन होगा तो यहां बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एच और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन, ये प्रोपेन है।
इलेक्ट्रोलाइसिस, रिएक्शन का नाम है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, यहां रेडिकल जनरेट होता है और वो रेडिकल दो बार जुड़ता है CH3CH2 और ये CH2, ये रेडिकल, फिर ये रेडिकल डिस्प्रोपिनेट हो सकता है या डाइमर इसका बन सकता है, तो दूसरा रेडिकल CH2 और ये CH2 और ये CH2 और यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां बनेगा वो बनेगा हेक्सेन, और हेक्सेन भी कैसा, एन हेक्सेन, तो ये आंसर में नहीं आएगा, सेकंड आएगा ये नहीं आएगा। ये वाली है NaOH-CaO सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, Na2CO3 यहां से बाहर हो जाएगा, H सप्लाई हो जाएगी तो और बन जाएगा, सभी को रिएक्शन आती भी होगी, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है रिएक्शन में, और ये प्रोपेन। तो हमें पूछा है कि प्रोपेन किस में बनेगा, तो प्रोपेन बनेगा सेकंड में और बनेगा फोर्थ में, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, द डिजायर प्रोडक्ट अक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट विथ वन और मोर एप्रोप्रिएट रीजन, कि ये जो कंपाउंड बनना है वो ये वाला आपको प्रोडक्ट बनाना है, द डिजायर प्रोडक्ट अक्स जो आपको दिया हुआ है, ये वाला जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ये वाला बनाना है, ये जो बना है आपको बनाना है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट, ये लिस्ट फर्स्ट है जिसमें पी आर क्यू एस दिए हुए हैं, आपको पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, और इसको आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है कि किन किन से बना रखा है। आपको साथ गिवन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर दिया हुआ है, एराइल, एल्काइल और हाइड्रोजन, मतलब आप जब ग्रुप को माइग्रेट करोगे तो किस ऑर्डर को फॉलो करना है, वो ऑर्डर आपको यहां पैराग्राफ में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एराइल, एल्काइल और हाइड्रोजन। ओके क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम इसको सोलो करेंगे, तो उससे पहले हमें अक्स की स्ट्रक्चर चाहिए कि हमें क्या बनाना है, अक्स वाला ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला हमें बनाना है, तो किस किस से हम बना सकते हैं। ठीक है देखें, पहले मैं एक एक को स्टार्ट कर लेता हूं कि पी जो है रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो पी आपको दिया हुआ है ये वाला, पीएच पीएच ओएच एमई और ये एमई और इधर ओएच, ये वाला आपको दिया हुआ है पी। ओके इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं H2SO4 से, तो H प्लस उस OH पे अटैक करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। रिएक्शन का एग्जांपल है पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नेम है, नेम रिएक्शन है ये पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन, तो यहां से H प्लस दो OH या तो इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे, H प्लस उस OH पे अटैक करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो, तो इधर से बनाओगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इधर से भी 2 डिग्री, बट यहां पे वो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस जो करेगा तो H प्लस जो अटैक करेगा वो इस पे करेगा और ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये बाहर होगा आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये PH और ये PH, ये पॉजिटिव और इधर आपके पास ये ME, ये OH और इधर ये ME, ये वाला प्रोडक्ट बना है। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए इधर से ग्रुप माइग्रेट होगा, तो या तो एमी, दोनों ही एमी है, अगर डिफरेंट ग्रुप होते तो हम इस माइग्रेटिंग ऑर्डर को फॉलो करते कि पहले एराइल, एल्काइल, उसके बाद हाइड्रोजन, तो एमी ग्रुप माइग्रेट करेगा क्योंकि पीछे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये एमी ग्रुप क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, और एमी ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा तो उधर बन जाएगा पीएच, ये पीएच और ये सीएच3 और इधर आपके पास बन गया ME, ठीक है, एक ME तो उधर चला गया जो CH3 के रूप में दिखाया, और उसके बाद बना इधर
OH और ये पॉजिटिव। अब यहां से ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, ग्रुप माइग्रेट क्यों हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से ये कार्बोकैटायन स्टेबल और यहां डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाएगा CH3 और ये PH और ये PH और ये CO और ये Me, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन गया है। रिएक्शन ये कब बना है, जब केवल मैंने H2SO4 से रिएक्शन करवाई है। अब मुझे इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि अक्स जो प्रोडक्ट है ना अपना, जो अक्स जो प्रोडक्ट है वो ये वाला है पीएच पीएच, आप ऐसे देखें अक्स जो प्रोडक्ट है वो पीएच पीएच सीएच थ्री और साइड वाले कार्बन पे होना चाहिए सीओएच। तो मतलब ये हुआ कि मुझे इसको सीओएच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें COH I2NaOH फर्स्ट रिएजेंट ये दिया हुआ है, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं I2NaOH से करवाऊं तो रिएजेंट कौन सा है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने बोला था पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे करवाना है, कि COCH3 ग्रुप है ना, इसका तो हेलोफॉर्म बना दो CHX3, पीछे जो स्केलेटन लगा हुआ है उसका क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा या फिर एसिड बन जाएगा। तो यहां से इसका हेलोफॉर्म बन गया, तो बन गया एम ई सी पी एच और ये पी एच और ये सी ओ एच और साइड में बन गया सी एच आई थ्री। तो पी का जो आंसर आएगा, पी का फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है। ओके, अब इसके बाद ये है टोलेन रिएजेंट, और टोलेन रिएजेंट कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, फेलिंग सॉल्यूशन भी कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। फोर्थ जो है वो है HCHO और NaOH, तो HCOH और NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, ये Me अल्फा हाइड्रोजन उस पर अटैक करेगा तो CH2OH उड़ जाएगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। NaOBr ये वापस से क्या हो गया, हेलोफॉर्म हो गया, और NaOBr से करवाओगे इस कंपाउंड की रिएक्शन, NaOBr से करवाओगे तो अभी आपके पास बन जाएगा Me CPH PH COH और CHBr3। तो मतलब जो P है, इस P को यदि मुझे अक्ष में कन्वर्ट करना है तो पहले तो मैं H2SO4 से रिएक्शन करवाऊं, H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद मैं इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज में ले सकता हूं, फर्स्ट ले सकता हूं और फाइव ले सकता हूं, फर्स्ट और फाइव, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में नहीं है, बाकी तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, वन और फाइव इसमें भी है, वन और फाइव इसमें भी है, वन और फाइव इसमें भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन को हमने चेक कर लिया, फर्स्ट पी के लिए वन और फाइव आएगा, आगे वाले ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे वाले ऑप्शन की, तो पी का इधर मैं आंसर भी साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देता हूं, जिससे बाद में हमें कंफ्यूज नहीं हो कि पी का हमारे पास आया है वन और फाइव। उसके बाद क्यों दिया हुआ है, क्यों आपके पास दिया हुआ है पी एच, ये पी एच एन एच टू और ये इधर दिया हुआ है एच ओ एच और ये एम ई और रिएक्शन करवाई है एच एन ओ टू से, तो इस रिएक्शन का नाम है पिनेकोल डाई एजोटाइजेशन। रिएक्शन का नाम है पिनेकोल डाई एजोटाइजेशन। रिएक्शन क्या होती है, जब आप एमीन की रिएक्शन HNO2 से करवाते हो तो पहले बनता है डाइजोनियम सोल्ट, ये बाहर होता है और यहां क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो HNO2 जो है वो इधर कार्बोकेटाइन क्या करेगा, जनरेट करेगा, और इधर कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा तो इधर से ग्रुप माइग्रेट कौन करेगा, H करेगा या Me करेगा, वो हमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले एराइल को करवाना है उसके बाद Me को करवाना है। अब यहां पर फिक्स है नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन NH2 साइड ही बनेगा, या अगर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखा H2SO4 दो OH थे तो उधर वहां बनेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, इधर पिनेकोल डाइएजोटाइजेशन, तो यहां से ग्रुप माइग्रेट कौन होगा, Me ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा और यहां ये डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां बना आपके पास पी एच
और ये पीएच ऑलरेडी एक पिच है, इधर से कौन चला गया एमी, और इधर आपके पास बन गया सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, अक्स वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, मतलब ये बनाना है एमी पीएच पीएच सी ओ एच। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन लेके आता है, टोलेन रिएजेंट लेके आ जाएगा क्या, ठीक है, तो क्यू में टोलेन रिएजेंट यूज में ले सकते हो, टोलेन रिएजेंट। सेकंड, फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कंफर्मेटिव टेस्ट है फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो सेकंड और थर्ड दोनों इसमें आ रहे हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट होगा नहीं। HCOH और NaOH के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करें, HCOH और NaOH, तो ये वाला पुराना ना, अब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं HCOH और NaOH से, तो कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। इस रिएजेंट में कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन का पीछे क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट बताया है कि एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन उसका होगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये, तो ये तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये तो बना देगा सॉल्ट और उसको वो चला जाएगा किसमें, एल्कोहल में एमी पीएच और ये पीएच और ये CH2OH, ये एल्कोहल में चला गया, तो इससे तो वो अक्स वाला प्रोडक्ट अपने पास नहीं बना है, तो क्यों में आएगा सेकंड और थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ऑप्शन को हमने ऑलरेडी पहले काट दिया था। अब हम बात करते हैं आर की, आर आपके पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है पीएच एम ई और ओ एच, और इधर भी दिया हुआ है ओ एच एम ई और ये पीएच, इधर भी यही दिया हुआ है, और वही H2SO4 से क्या करवाइए, रिएक्शन करवाइए। तो दोनों OH सेम है, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, तो किधर भी अटैक कर जाएगा, तो मान लो इधर अटैक कर गया तो ये OH2 बाहर हो गया। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, पीएच ग्रुप माइग्रेट करेगा, और ये पीएच ग्रुप इधर क्या कर जाएगा, माइग्रेट, और यहां डबल बॉन्ड ओ क्या हो जाएगा, जनरेट। तो एम ई सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर आपके पास पीएच एक आ गया, आपके पास एम ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये पीएच। अब इस कंपाउंड का वही कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो गया, मतलब ये वही वाला प्रोडक्ट बन गया जो फर्स्ट में आपके पास बना था, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हुआ है, वहां पीएच पीएच एम ई आया था, यही वाला प्रोडक्ट बन गया। तो यहां कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वही हेलोफॉर्म टेस्ट ले सकते हो, I2NaOH हेलोफॉर्म टेस्ट ये वाला ले सकते हो, तो CHI3 और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हो NaOBr। इसका मतलब ये हुआ कि R के लिए भी वही आएगा जो P के लिए आया है, तो R के लिए भी 1 और 5 ही आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं अपन S की, S की बात करें, S आपको दिया हुआ है Br और इधर दिया हुआ है आपको PH और इधर ये PH और यहां पे OH H और ये Me और यहां दिया हुआ है AgNO3। तो AgNO3 सिल्वर हैलाइड को रिमूव करते हैं, AgBr की PPT बनाएंगे, फिक्स है, इधर से कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इधर से कौन ग्रुप माइग्रेट होगा, Me ग्रुप माइग्रेट होगा या H ग्रुप माइग्रेट होगा, तो यहां से Me ग्रुप क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। जैसे ही Me ग्रुप माइग्रेट होगा बन जाएगा आपके पास PH, एक पीएच ऑलरेडी है और ये इधर एम ई और इधर बन गया सी ओ एच, वही एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वही एल्डिहाइड ग्रुप को हम फेलिंग सॉल्यूशन मतलब थर्ड नंबर और इसके बाद सेकंड नंबर हम यूज में ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस के लिए भी वही आएगा जो क्यों के लिए आया था, मतलब टू और थर्ड। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है फोर्थ ऑप्शन, जहां पी के लिए 1523R15S आंसर जाएगा, वो जाएगा फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन और सिंपल सा कंसेप्ट था क्वेश्चन का, ठीक है।
रिएक्शन का मेथड क्या है वो मैं बता दूं। रिएक्शन पहले अगर दो OH लगे हुए हों, डाईओल हो, तो उस एसिड की प्रेजेंस में उस OH पे अटैक करवाना है, अर्थात उस साइड कार्बोकेटाइन बनाना है जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। अगर NH2 ग्रुप और HNO2 दिया हो तो कार्बोकेटाइन ऑलवेज NH2 ग्रुप की तरफ बनेगा। हैलाइड और AgNO3 दिया हो तो कार्बोकेटाइन हमेशा हैलाइड की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल थे पिनेकोल पिनेकोलोन के, पिनेकोल पिनेकोलोन डाइएजोटाइजेशन के, पिनेकोल सेमी पिनेकोलोन के और पिनेकोल हेलोजिनेशन के इसमें एग्जांपल थे। क्लियर, तो आंसर हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लिस्ट फर्स्ट कंटेन रिएक्शन एंड लिस्ट सेकंड कंटेन मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, आपको किसने बोला हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है, ठीक है, और इनको कनेक्ट आपको करना है कि कौन सा कॉलम सही है, मतलब ये रिएक्टेंट है, इनकी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है, ये वाला पूछा है। ठीक है, करते हैं सॉल्व कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले दिया हुआ आपको CH3O-Na+ और इसकी रिएक्शन करवाई है Br से, और यहां पे प्रोडक्ट पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बल्की बेस है, SN2 की पॉसिबिलिटी यहां ना के बराबर है, SN2 वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि ये 3 डिग्री है, वो खुद भी बल्की बेस है, बल्की न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। SN2 के लिए हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, तो बेस है तो ये अल्फा, और ये वाली जो हाइड्रोजन है वो कौन सी है, बीटा। ये बेस इस बीटा हाइड्रोजन को हटा लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये बीआर क्या हो जाएगा बाहर, कौन सी मैकेनिज्म हुई, E2HBr क्या हो जाएगा बाहर, तो उधर तो बन गया क्या एल्कोहल, और इधर आपके पास क्या बन गया एल्कीन। तो P का जो आंसर आएगा वो एल्कोहल आएगा और एल्कीन आएगा, ऐसा ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट और फोर्थ। फिर क्यों की बात करते हैं, क्यों जो है वो ये वाला है OME और ये HBr, तो H+ पहले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद बनेगा OME और ये H+। अब जो Br- है उसके पास दो पाथ हैं कि वो SN1 से रिएक्ट करे या SN2 से करे, SN2 से करेगा तो ME पे अटैक करेगा, SN1 से अटैक करेगा तो उधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ से ओपन होगा। तो बात ये है कि यदि 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन अगर बन रहा हो तो SN1 मैकेनिज्म होगी, और SN1 मैकेनिज्म से ये कार्बोकेटाइन यहां से ब्रेक हो जाएगा और इधर ये Br- यहां क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन बनाया है ये वाला और साइड में आपके पास MeOH और इस कार्बोकेटाइन पे Br- क्या कर रहा है अटैक कर रहा है और फाइनली प्रोडक्ट जो बना रहा है वो ये वाला बना रहा है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो 3 डिग्री बनेगा, मतलब क्यू सेकंड, क्या किधर MeOH ऑप्शन में है, MeOH ऑप्शन में नहीं है तो क्यों का आएगा वो आएगा सेकंड, पी और क्यू क्लियर। अब बात करते हैं आर की, आर की बात करें तो आर ये दिया हुआ है, ये भी आर और ये NaOME, तो यहां SN2 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर, और हमें बात की है मेजर प्रोडक्ट की, और मेजर जो जाएगा वो जाएगा किससे, E2 मेजर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, वही अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा हाइड्रोजन को ये हटा लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये Br बाहर, तो साइड में बना आपके पास MeOH NaBr और ये वाली एल्कीन आपके पास बनी है, तो R का एल्कीन दिया हुआ है वो फोर्थ प्रोडक्ट। ये भी पॉसिबल है बट ये प्रोडक्ट बहुत माइनर है और हमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट की बात हुई है तो आंसर इसका जाएगा वो जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट वाला दिया हुआ है O-Na+ और MeBr, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी, SN2E2 की पॉसिबिलिटी नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा बीटा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा बाहर, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा OME, ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें OME तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास थर्ड। तो P का आया 1 4,
तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यू का आया है आपके पास सेकंड, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यू का सेकंड, आर का फोर और थर्ड, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। मतलब सिंपल एज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इजी थे। तो ये बात हुई सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के जितने 2016 से लेकर 2019 तक 8 पेपर जो हुए थे आपके, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने एक यूनिट में डिवाइडेड किया। यूनिट में हमने कौन से क्वेश्चन लिए, हमने हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहल फिनोल ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड से रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन मैंने किया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे रिमेनिंग पूरे ऑर्गेनिक पार्ट की, जिसमें आपके पास आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। होपफुली सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।